हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग कटिंग पेपर स्क्वायर्स नाम की प्रॉब्लम देखेंगे। ये हैकर रैंक की प्रॉब्लम है और बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि हमारे पास एन क्रॉस एम का पेपर है और मुझे क्या करना है, इसमें 1 क्रॉस 1 के पेसेस बनाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे इसको ऑब्टेन करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, उस एग्जाम्पल के हिसाब से या उस एग्जाम्पल को भी समझने से पहले हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर है पेपर, और इसमें अगर मुझे 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर्स बनाने हैं, तो लेट्स से हमने पहला कट ऐसा कर लिया। तो अगर हमने पहला कट अलग कर लिया तो ये दो अलग अलग पीसेस बन गए, तो ये मेरा फर्स्ट कट हो गया। सॉरी, इसके बाद जो ये दोनों अलग अलग पीसेस हो गए, तो इसका मतलब है कि अब सेकेंड कट लगेगा ऐसे। तो 1 क्रॉस 1 का एक पीस ये बन जाएगा और एक पीस ये बन जाएगा। एक बार और कट लगाएंगे तो एक पीस ये बन जाएगा और एक पीस ये बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स जो आपके लगे इसमें 3 लगे। 2 क्रॉस 2 का मेरा स्क्वायर था इसलिए 3 कट्स लगे। मान लीजिए कि अब आपके पास एक 2 क्रॉस 2 की जगह एक 2 क्रॉस 3 का एक आपके पास पीस ऑफ पेपर है, तो उसको कई सारे तरीकों से काटा जा सकता है। हम एक तरीका अख्तियार कर लेते हैं। जैसे हमने इसको ऐसे काटा और ये पहला कट हो गया, ये दो अलग अलग पीस ऑफ पेपर हो गए 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 3 के। फिर इसके जो ऊपर वाला है पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम कट करते हैं। पहला कट हम यहाँ लगा लेते हैं जिससे 1 क्रॉस 1 का ये स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ये वाला पार्ट है, एक और कट करेंगे तो ये तीसरा कट हमारा होगा और 1 क्रॉस 1 के तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से आपने ऊपर वाले में कट्स लगाए हैं वैसे ही आप नीचे वाले में कट लगा लीजिए। अगर तो अगर आप ये नेक्स्ट कट लगाते हैं, ये हमारा फोर्थ कट है, तो ये वाला 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर मिलेगा। और ये जो 2 क्रॉस 2 का दूसरा बच गया है, इसमें अगेन अगर आप कट करेंगे तो 1 क्रॉस 1 के 2 स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स जो आपके लगे हैं वो यहाँ पे 5 लगे हैं। पहले वाले में 3 कट्स लगे थे, यहाँ 5 लगे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 - 1 इज 3, सिमिलरली 2 क्रॉस 3 - 1 इज इक्वल टू 5। तो ऐसा ही हमें दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, अगर ये सक्सेसफुली यही चला तो इसका मतलब है कि यही मेरा सोल्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास 5 क्रॉस 1 का एक स्क्वायर है, तो 5 क्रॉस 1 का स्क्वायर है और इसमें मुझे 1 क्रॉस 1 के पीसेस बनाने हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं या तो एक कट यहाँ लगा लूँ, तो ये तैयार हो गया मेरा कट। बाकी 4 क्रॉस 1 का एक बचा हुआ है, इसमें अगर मैं कट लगाऊँ तो अगर ऑप्टिमल कट लगाने की कोशिश करूँ तो हाफ आप में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये एक 2 क्रॉस 1 का, एक 2 क्रॉस 1 का तैयार हो गया। ये सेकंड कट था मेरा। ऊपर वाला जो 2 क्रॉस 1 है उसको एक बार फिर से अगर आप कट करेंगे तो 1 और 2 कट्स तैयार हो जाएंगे। नीचे वाले में फिर से आपको कट करना पड़ेगा, तभी आपको 1 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 1 वाला कट्स तैयार होंगे। तो ये चौथा कट है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि n-1 मेरा आंसर होना चाहिए, या n into m, जहाँ पे n नंबर ऑफ रोज बता रहा है, m नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। सो n into m-1, दैट शुड बी द आंसर। इसको करके देखते हैं और शायद ये सही रन करना चाहिए। तो मेरे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसमें क्या किया, रिटर्न किया n multiplied with m-1। इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा जो सैम्पल टेस्ट केस है वो रन हो गया है। अब ये आगे के टेस्ट केसेस को देखते हैं, तो इसमें कुछ टेस्ट केसेस फेल हो गए। और अगर आप इनपुट्स को देखेंगे कि कौन से टेस्ट केसेस फेल हुए हैं, तो ये केवल एक रीजन से हुआ है कि जो नंबर है वो बहुत ही बड़ा नंबर है, वो इंटीजर में एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये इंटीजर में एडजस्ट नहीं हो सकता तो मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिससे कि इंटीजर में एडजस्ट हो जाए। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो n और m है उसको लॉन्ग मैंने बना लिया। सो लॉन्ग n, कैपिटल n इज इक्वल टू स्मॉल n, एंड देन लॉन्ग कैपिटल m इज इक्वल टू स्मॉल n, एंड देन इसके बाद मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो लॉन्ग n और लॉन्ग m पे किया। सबमिट करके देखते हैं इसको। यस, देखिए आपके सारे टेस्ट केसेस जो है पास हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें कि हमें अगर नंबर की लेंथ को बढ़ाना हो या नंबर जो रेंज है उसको बढ़ाना हो तो इंटीजर से हम लॉन्ग में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे सीखा कि आंसर्स का जो एक्सपेक्टेड टाइप है उसको डील करने के लिए हमें जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हमने फंक्शन में रिसीव किए उनको भी हमें
चेंज करना पड़ सकता है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट.